ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रिस्क्रिप्शन मनु, मुझे सच में पता नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन मेरी है, मैं हैंडल कर लूंगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम कुछ भी सैक्रिफाइस करो। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इस सिचुएशन में मुझसे कोई भी शादी नहीं करता, तो तुम्हारा डिसीजन। क्यों कर रही हो, मेरी भी तो सुन लो। बोलो। मैं तुमसे शादी करने को कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी हां के बाद और ये बीबी, क्या तुम इसे अपना पाओगे? क्या तुम अभिनव के बच्चे को भी जितना प्यार दे पाओगे? क्या तुम अभिनव के बच्चे के फादर बन पाओगे, सेल्फलेस लव कर पाओगे? क्या तुम अभिनव के बेबी को अपना नाम दे पाओगे? एक ऐसा स्टूपिड सवाल है। ऑफ कोर्स। तुम लोगों को क्या लगता है दुनिया के सारे अच्छे काम तुम ही लोग कर सकते हो? मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मैंने ऐसा नहीं। Shut up and listen to me। हाँ, शर्मा जी जिस तरीके से जूनियर से प्यार करते थे, मैं भी करूंगा उनके बेबी से। जैसे मैंने रूह को पाला है ना, उनकी बेबी को पालूंगा। जब मैं नहीं था तो शर्मा जी मेरे बेटे के लिए बेस्ट फादर बने थे, अब जब वो नहीं है तो मैं भी बनूंगा। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि शर्मा जी का एहसान है मुझ पर, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये बेबी तुम्हारा ही है और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। अक्सर लाइफ में ना गलती करने के मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन अच्छा काम करने का मौका बहुत कम मिलता है। मुझे मिला है, मुझे करना है। मैं तुमसे कल भी शादी करने को तैयार था, आज भी तैयार हूं। तुम वक्त लो, तुम्हें जितना सोचना है सोचो। और अगर मैंने ज्यादा वक्त ले लिया तो? जब तक मेरे पास जिंदगी है, तुम्हारे पास वक्त है। क्या हुआ? तुम्हारा जवाब बहुत सीधा था कि मेरा सवाल उलझा हुआ है और मैं उस सवाल में उलझी हुई हूँ। समझ ही नहीं आता कैसे रिएक्ट करूँ। कभी गुस्सा आता है, कभी गिल्टी फील होता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मैंने सबको मुश्किल में डाल दिया है। शांत हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सिर्फ खुद का ख्याल रखो। मैं हूं ना, तुम्हारे ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं आएगा। सिर्फ ख्याल रखो।